लेट लेटस नाउ टॉक अबाउट दी फॉर्मेशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कैसे फॉर्म कर सकते हैं जैसे मान लीजिए अल्फा और बीटा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं तो जैसा अभी अभी हमने पढ़ा है या हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी बाई ए यानी सम ऑफ द रूट्स और अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की वैल्यू सी डिवाइडेड बाई ए होती है तो एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका कि एक रूट अल्फा और एक रूट बीटा है इट विल बी गिवन बाय एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ़ द रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल टू ज़ीरो इस बात को ऐसे समझा जा सकता है ध्यान से देखें एक्स स्क्वायेर माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा की जगह पर मैं माइनस का बी बाई ए इंटू एक्स लिखूँ प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की जगह सी बाय एक्वल टू ज़ीरो जैसे ही मैंने ये किया स्कोर एल्सियम लिया तो ये ए ऊपर आ जाएगा ए एक स्क्वायर माइनस माइनस विल बिकम प्लस प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो एनहेंस हमारे पासवेशन आ गई जिसका कि एक रूट अल्फा है और एक रूट बीटा है मेरी ये बात समझ में आती है या फिर मैं ऐसा भी लिख सकता हूं कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका कि एक रूट अल्फा और एक रूट बीटा है इट कैन बी रिटन एज एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इक्वल टू जीरो सिंपल मेरी बात समझ में आ रही है ये वही बात है एग्जाम्पल के तौर पर मान लो मैंने लिखा x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो लिखूंगा तो क्या यह एक क्वाडिटिक है ये yes. सिंपल इसको अगर मैं ओपन करूंगा सारी चीज को तो क्या बनेगा एक्स स्क् माइनस थ्री एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो क्या है दिस इज अ क्वाडेटिक इक्वेशन और इसी क्वाडिटिक इक्वेशन के दो रूट आ गए एक रूट है वन और एक रूट है टू यह नजर आ रही है बात हमें सही है तो मैं अगर इसी बात को दोहराऊँ x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस का बीटा ठीक है ध्यान से x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इक्वल टू जीरो को अगर दोहराएं तो ये ओपन करेंगे स्क्वायर माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू जीरो और ये क्या है सम ऑफ द रूट्स यानी s और ये क्या है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स यानी पी तो एक्सक्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू जीरो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी जा सकती है यानी अगर हमारे पास बोला जाए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है और उसके रूट्स नहीं दिए गए लेकिन सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स दिया गया है तो हमें रूट्स निकालने की जरूरत नहीं है सीधा सीधा सम और प्रोडक्ट के थ्रू इस फॉर्मूले के थ्रू या इस तरीके के थ्रू हम आंसर निकाल सकते हैं जैसे ये देखिए ध्यान से <coughs> मैं अभी जिस बारे में बात कर रहा था सिंपली अगर मैं उसका जिक्र यही करूं मान लीजिए मैंने कहा सम ऑफ द रूट्स इज थ्री एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज वन तो व्हाट विल बी आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो खत्म बात मेरी बात समझ में आ रही है ठीक अब अगला सवाल लिखा जाता है फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन विच ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन व्हेन द रूट्स आर गिवन टू अस अब रूट्स दिए गए हैं हमारे पास अब इसको करने के लिए अगर मैं सिंपल इसी मेथड से जाऊं तो सम ऑफ द रूट्स हमें नज़र आ रहा है टू प्लस रूट फाइव के अंदर में टू माइनस का रूट फाइव ऐड करूंगा तो ये और ये कैंसल आउट हो जा रहा है तो ये वैल्यू आ जा रही है फोर और प्रोडक्ट के बारे में बात करूं तो टू प्लस अंडर द रूट फाइव विल बी मल्टीप्लाइड बाई टू माइनस का रूट फाइव यानी फोर माइनस फाइव विल बी इक्वल टू वन एंड एज अ रिजल्ट हम जानते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का एस एक्स प्लस पी इक्वल टू जीरो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है यानी एक्स स्क्वायेर माइनस फोर एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन वी हैव फॉर्म्ड वेयर इन द रूट्स आर टू प्लस रूट फाइव एंड टू माइनस रूट फाइव इसी बात को ऐसा भी लिखा जा सकता है इन द फॉर्म एक्स माइनस ऑफ टू प्लस रूट फाइव इन x माइनस ऑफ टू माइनस का रूट फाइव इक्वल टू जीरो वही बात x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इक्वल टू जीरो तो जब डायरेक्टली हमारे पास ये इक्वेशन अवेलेबल है तो ऑब्वियसली वी मस्ट वन ठीक है अब यहां पर a और वन अपॉन ए रूट्स हैं तो रूट्स की बात करूंगा तो ऑब्वियसली a प्लस वन अपॉन ए आ जाएगा प्रोडक्ट की बात करूंगा ए इंटू वन अपॉन ए यानी ये वैल्यू आ गई वन तो एज अ रिजल्ट एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ ए प्लस वन अपॉन ए इंटू एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन अगला क्वेश्चन वन ऑफ द क्वाडरेटिकवेजन टू एक्स स्क्वास प्लस फोर इक्वल टू जीरो इज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ दर रूट तो ठीक है ध्यान से देखिए क्वेश्चन लिखा है क्वाडेटिक इक्वेशन दे रखिये टू एक्स स्क्स प्लस फोर इक्वल टू जीरो अब जब यह क्वाडेटिक इक्वेशन इसके दो रूट होंगे एक रूट इसका टू दिया हुआ है मैंने एज्यूम कर लिया अल्फा एक अनदर रूट है लेट इट बी दर रूट लेट इट बी दर रूट तो क्या करेंगे हम इस बात से अगर हमारे पास दूसरा रूट हमने अल्फा मान लिया तो समूट यानी एस इज इक्वल टू टू प्लस अल्फा उसकी वैल्यू माइनस का बी बाई यानी माइनस का पी बाय टू हो जाएगी और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की बात करूंगा टू इन टू अल्फा विल बी इक्वल टू सी डिड बाई एनि फोर डिवाइडेड बाई टू यानी टू अल्फा की वैल्यू आ जाती है टू तो एज अ रिजल्ट हमने देखा अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई वन आ गई यहां तक बात समझ में आती है मेरी अल्फा की वैल्यू क्या आ गई वन आ गई अब अल्फा की वैल्यू वन इस इक्वेशन के अंदर में पुट की जा सकती है तो टू प्लस वन आ गया थ्री तो थ्री माइनस का पी डिडेड अब क्वेश्चन दोबारा ध्यान से पढ़ेंगे हमने पी की वैल्यू निकाल ली थी हमने निकाल दी और दूसरे रूट की वैल्यू निकालनी थी यानी अल्फा की अल्फा की वैल्यू वन आ चुकी है सो दीज बोथ आर दी आंसर्स टू दिस गिवन क्वेश्चन अगला क्वेश्चन